तो मित्रों कैसे हैं आप? मेरे दर्शन करते ही शंख भी बज गई यहाँ पे, ये देखिए। आज मैं भी यहाँ घूमने पहुँच गई हूँ, ये आपको मैं ना ठीक से दिखा रही हूँ। पुराना पीपल का पेड़, बरसों हजारों बरसों पुराना पेड़ होगा ये, कितनी सदियाँ देख ली होगी पीपल के पेड़ में। यहाँ पे आज हम लोग आए हैं दर्शन करने, तो बस आज छुट्टी थी, इसलिए दर्शन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों जंगल लगा है, रोज शायद सफाई नहीं होती। ये बहुत बड़ा अच्छा घर है, देखिए आप। आज पहुँचे हम लोग आवाज़ विकास इधर करा रहे हैं आपको दर्शन। अब हम लोग जा रहे हैं घर को, अभी उधर भी ले जाऊँगी, ऊपर है संजय कॉलोनी में भी जाएंगे, इधर के दर्शन कराएंगे आपको। संजय कॉलोनी में आप लोगों के दर्शन कराएंगे, ये बहुत ही अच्छा है। अभी बताएंगे जोशी जी इसके बारे में, बौद्ध मठ है ना ये, तिब्बतियों का है, तिब्बतियों को, हाँ तिब्बती लोगों का। जाई हूँ मैं आवाज़ विकास घूमने, इधर ही मेरे मामा जी का घर है, यहाँ पर दिखाऊंगी आपको। बहुत सुंदर मामा जी ने एक घर बना दिया बिठोरिया में, इधर रेंट में दे रखा है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको मामा जी का घर। इधर मैं चल रही हूँ सीधे मामा जी के घर के पास, जोशी जी भी अपने मामा जी के मकान पर खड़े हो रहे हैं। जोशी जी भी मेरे साथ घूमने आए हैं। ये है हमारे मामा जी का घर, अभी नया घर मामा जी ने बिठोरिया में बना दिया, ये वाला घर है मामा जी का हमारा, ये देखिए। इधर सिंगल रूम मामा जी ने बोल रखा, सिंगल रूम उपलब्ध है, नंबर भी दे रखा है, जिसको भी अगर आवाज़ विकास में रूम चाहिए तो आप ले सकते हैं, मामा जी ने नंबर भी दे रखा है इसमें। किराए हेतु सिंगल रूम उपलब्ध है, ये मामा जी ने लगा रखा, जिसको भी रूम की ज़रूरत है तो आप मामा जी से संपर्क कर सकते हैं। जी चल रहे हैं इधर से, बोल रहे हैं कि जब 30 साल पहले मैं अपने मामा जी लोगों के साथ यहाँ घूमता था, बोल रहे आज मामा जी फिर पटरी में चले गए हैं घूमने के लिए। मामा जी नहीं है जोशी जी हैं, हाँ चलो फिर चलो। तो ये हमारी उधर आर्मी के एरिया है, चल रहे हो मंदिर में? तो अभी मैं आपको मिला रही हूँ यहाँ पे जोशी जी से। जोशी जी का कहना है मैं पहले यहाँ काफ़ी आता था, ये सारी आवाज़ विकास की कॉलोनी है मित्रों, ये इधर आवाज़ विकास की कॉलोनी है। अभी ये सिंगल ही रोड है यहाँ पे, शायद अभी डबल रोड बनने वाली है, और ये बहुत ही गंदगी भी हो रही पटरी में, गंदगी में चलना पड़ रहा है ये। और आप लोगों से मैं आज का जो मेरा ब्लॉग है, इधर गाय पाल रखी इन्होंने, सुंदर गाय माता, देखिए कितनी सुंदर लग रही गाय, बहुत सुंदर लग रही है गाय। और इधर आप देखिए सारा आर्मी कैंट है इधर से इधर का, इधर ही घूमने आए हैं। एक बार सुबह 4 बजे मैं घूम के आ गई हूँ, नीतू जी और मैं घूमने गए थे, अभी फिर आप जोशी जी के साथ चल रहा वॉक। जोशी जी आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ, इसलिए मैं आज ये देखे इधर आपको साथ साथ में आवाज़ विकास कॉलोनी भी दिखा रही हूँ, और चलते भी रह रही हूँ यहाँ। आज का शो क्या, इधर काफ़ी हरियाली हो रही, देखिए हम लोग घर के अंदर रहते हैं पता भी नहीं चलता है, पेड़ पौधे हरे भरे हो रहे, क्या हो रहे घर के, इसलिए आज आपको मैं पूरी यहाँ पर हरियाली दिखा रही हूँ। पटरी में और तो नहीं, चप्पल टूट जाएंगे पैदल चलते चलते। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कितना पसीना पसीना हो गई मैं पैदल चलने से, पूरा मुँह में पसीना पसीना, पूरा बहुत ज़्यादा पसीना हो गया। धूप इतनी है ऊपर से, 10 बजे की धूप सुबह, और हम लोग चल रहे हैं इतनी धूप में पैदल पैदल, सांस भी फूल रही, पैदल चलने में भी सांस फूल रही। अभी चढ़ाई होती फिर क्या होता। तो इधर ये सब आवाज़ विकास कॉलोनी आप देख लें,
इधर पसीना सारा टीका पिट्ठा मेरा बह गया है, पूजा हो चुकी थी। अब हम पहुंच गए बीएसएनएल टावर के पास। ये देखे, ये हमारा बीएसएनएल टावर है यहाँ पे। अब हमारा घर का रास्ता यहाँ से शुरू हो रहा है। ये आवाज़ विकास कॉलोनी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, यहाँ से सुभाष नगर शुरू हो जाता है। अंदर ये से यही रास्ता जाता है। आ गई न्यू आवाज़ विकास कॉलोनी और बीएसएनएल कॉलोनी। इसके अंदर बीएसएनएल ऑफिस है, आप देखिए। यहाँ से आपको बिल विल जो भी पता होता करना है, इससे अंदर को जा सकते हैं। यहाँ पर है, ये देखिए, इससे अंदर एंट्री होगी। ये देखिए, ये है बीएसएनएल ऑफिस हमारा मिश्रा जी का, हिमालय पब्लिक स्कूल, आप देखिए। बीएसएनएल टावर इधर देखिए, बीएसएनएल की पूरी कॉलोनी, बड़ी कॉलोनी है बीएसएनएल ऑफिस की। ये है बीएसएनएल, सारी हरियाली छाई है बीएसएनएल ऑफिस के अंदर। देखिए, यहाँ से भी जा सकते हैं, कॉलोनी में जो रहते हैं यहाँ से जाएंगे, और ऑफिस के अंदर जिसको काम होता है वो उस गेट से जाएंगे। अब आ चुके हूँ घर, घर पहुँच गई हूँ। कैसा हो गया पसीने से हाल मेरा देखिए आप, टीका चंदन सब बह गया है। और मैं वहीं से मॉल चले गई थी, क्या मैं शॉपिंग करके लाई हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। ये आ गया है मेरा बिस्किट, कभी चाय के साथ बिस्किट खाने के लिए, नमकीन भी मीठा भी, ये बिस्किट आ गए हैं। इधर मैं ले आई बड़ा पैकेट रस का, बड़ा लेने में ज़्यादा फायदा रहता है। और ये आ गया, इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट था, ये रस का पैकेट आ गया बड़ा। ये आ गया माता रानी की जोत जलाने के लिए घी, घर का घी बनाती तो हूँ लेकिन मेरा विश्वास उस पर नहीं होता उतना। कभी बच्चों ने चम्मच चम्मच डाल दिया, मैंने ही डाल दी। और ये आ गया मेरा पतंजलि का जूस, आजकल गर्मी काफ़ी है, शरबत। और तिल का तेल मैं इकट्ठे ले आती हूँ अभी। ये देखिए जोत जलाने के लिए ये आ गया है, साथ में दूध भी आ गया है। इधर थोड़ा सा मैं ला गई मूँगफली, पोहा बनाने के लिए, मूँगफली ज़्यादा रहता है पोहा में। ये आ गया मूँगफली। इधर मैं ले आई छोले, अब मेरे बेटे को छोले बोलता है, मम्मा परसों मेरी छुट्टी होगी तो छोले भटूरे बनाना बोल रहा है। छोले भटूरे भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बना रही हूँ करके, और परसों दिखाया जाएगा आपको। और इधर मैं स्कूटर ब्रांड तेल ला गई, कभी हरी सब्जी होती है तो उसमें, इसी तेल में अच्छी होती है हरी सब्जी। और सरसों का जो भी तेल है, सरसों का तेल कच्ची धानी का, ये हरी सब्जी आप जो भी बनाते हैं इसी में ज़्यादा होता है, अच्छी लगती है। तो आज की शॉपिंग ये हो गई मेरी, और आपको दिखा दिया मैं पटरी पटरी घूम के भी आ गई, मामा जी का घर भी दिखा दिया। आज सुबह वॉक में मैं 4 बजे चले गई थी, वहाँ से घर आके अपना नहा धो के पूजा पाठ करके फिर जोशी जी के साथ फिर घूमने चल दी। मैंने कहा रोज अब इनसे चलो चलो कहती हूँ, आते नहीं हैं। तो मित्रों ये है, और वैसे मुझे जाना था विशाल, विशाल 10 बजे से खुल रहा है आजकल विशाल मेगा मार्ट, सुबह 7:30 बजे एंट्री हो जाती थी, लेकिन अभी वहाँ सारी चीज़ें चेंज हो गई, अब 10 बजे से खुलेगा। इसलिए मैं वहीं से आवाज़ विकास होते हुए, मामा जी का घर देखते हुए यहाँ पहुँच गई मित्रों। तो बने रहिएगा मेरे साथ, कैसा लगता है मेरा ब्लॉग आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मित्रों मैं बनाती हूँ चाय, आप लोग भी आ जाइएगा चाय पीने के लिए, चाय नाश्ता एक साथ ही करते हैं, आइए आप लोग।